नमस्कार, मैं हूं जगतपाल, आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। खूंटी जिला अंतर्गत अड़की थाना क्षेत्र के सेल्ला गांव में माओवादियों ने एक अस्पताल निर्माणाधीन जो अंतिम स्टेज पर खड़ा था उसको धमाके से उड़ा दिया। उनकी मांग स्कूल के अंदर पुलिस पिकेट बनी हुई उसको हटाने को लेकर के था। इससे पहले पिछले 12 दिन पूर्व 17 दिसंबर को एक और घटना घटी थी जिसमें एक सामुदायिक भवन को उड़ाया गया था, जो एटकेडी नामक स्थान जो कि सोयको थाना क्षेत्र के अंदर में आता है उसको भी, सामुदायिक भवन को भी बम से उड़ा दिया गया था। पिछले 12 दिन के अंदर में ये दूसरी घटना है खूंटी जिला के अंतर्गत, जिसमें अभी जो तत्काल कल हुआ इसमें ये पता चला कि एक निर्माणाधीन अस्पताल को उड़ा दिया गया, जिसका मूल मांग उनका था कि स्कूल में बने पुलिस पिकेट को हटाया जाए, ये उनकी मांग थी। और माओवादियों ने इस बात की जिम्मेदारी भी ली कि पुलिस पिकेट जो स्कूल के अंदर में है उसको हटाने का काम नहीं हो रहा, इसलिए उसको उड़ाया गया। पिछले 12 दिन अंतर में दो दो भवनों को उड़ाना एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कहीं ना कहीं जब दो दो बार घटनाएं घट रही हैं और इस मामले में प्रशासन को कोई खबर नहीं है, प्रशासन इसके बारे में जानती नहीं, या तो फिर प्रशासन मुस्तैद नहीं है, एक बहुत बड़ा चूक कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से दिखाई पड़ रही है। पिछले 12 दिन पहले जब दो घटनाएं घटी और इसमें स्कूल से पुलिस पिकेट को हटाने की बात चल रही है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्कूल भवन से हटाने का जो बात है, निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से किसी भी स्कूल के अंदर में पुलिस पिकेट का बनाना सही मायने में अगर देखा जाए तो वहाँ बच्चों का पढ़ने का स्थान है, जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और लेकिन दूसरी तरफ ये तो बात सही है, लेकिन इस प्रकार से एक अस्पताल को उड़ाना ये कहाँ तक न्यायसंगत है? निश्चित रूप से न्यायसंगत बात नहीं, क्योंकि उस अस्पताल में उस क्षेत्र के लोग ही स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए आते या कहीं ना कहीं रोगी लोग उस क्षेत्र में आते ताकि उनको फायदा होता। लेकिन जिस प्रकार से उस भवन को उड़ाया गया, इस निर्माणाधीन भवन को उड़ाया गया, इसे सरकार के जो सार्वजनिक स्थान था या सार्वजनिक प्लेस है जहां पर लोगों का फायदा होता, लोगों को उसमें इलाज करने का मौका मिलता या बच्चों को जो पढ़ने का जगह है वहां पर भी पुलिस अगर बैठी हुई या पुलिस का अगर लोग वहां पर हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाई में बाधित हो रही है। तो एक तो मांग जायज है कि पुलिस पिकेट स्कूल से हटना, ये मांग जायज है, लेकिन इस प्रकार का उड़ाना या इस प्रकार से तहस नहस करना कतई उचित नहीं है। अगर माओवादी किसी न किसी रूप से अपनी मांग को सही तरीके से रखे और बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए अगर इस बात को रखे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन एक प्रकार से पुलिस का पिकेट स्कूल पर काम करना और दूसरी तरीके से भवन को उड़ाना, निश्चित रूप से ये एक संवैधानिक कार्य नहीं है और इससे निश्चित रूप से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है क्षेत्र के अंदर में। माओवादी ने अपना पोस्टर भी डाल करके ये बताया है कि स्कूल भवन से, स्कूल से पुलिस पिकेट हटाया जाए, इस बात को उन्होंने पुष्टि करते हुए अपनी जिम्मेदारी लिया है कि इसी के लिए उसने उस भवन को उड़ाया है। तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं एक दंग करने वाली बात कह सकते हैं या तो भयभीत करने वाली बात है। पुलिस प्रशासन भी अपनी चूक देख रही है कि कहीं ना कहीं दो दो बार 12 दिन के अंदर में जो बड़ी बड़ी भवनों को उड़ाया दिया गया, एक तो सामूहिक भवन को उड़ाया गया, दूसरा अस्पताल को उड़ाया गया, ये निश्चित रूप से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान है और इससे कतई किसी को फायदा नहीं हो सकता। तो ये माना जा सकता है कि अगर पिछले 12 दिन के पहले जो घटनाएं घटी उसमें एक सामुदायिक भवन को उड़ाया गया, उसके बाद तत्काल में इस अस्पताल जो निर्माणाधीन था अंतिम पड़ाव पर खड़ा था उसको उड़ा दिया गया, इसे निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों का नुकसान तो है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि अगर आप मांग अगर रखते हैं सही तरीके से रखते हैं बिना किसी सार्वजनिक स्थान को, बिना किसी सरकारी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाए, तो निश्चित रूप से ये उस समाज के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए, उस एरिया के बच्चों के लिए एक फायदे की चीज़ हो सकती है। क्योंकि ये सही कार्य बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को तोड़ करके हम किसी को जोड़ने का प्रयास करें। तो माओवादी के द्वारा ये पिछले 12 दिन पहले दो घटनाओं का अंजाम दिया जाना निश्चित रूप से प्रशासन की चूक कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। प्रशासन अगर जागती, प्रशासन अगर अवेयर रहती, प्रशासन अगर मुस्तैद रहती तो निश्चित रूप से इतना बड़ा घटना को होने से बचाया जा सकता था। इस प्रकार माओवादी के द्वारा किया गया ये कार्य निश्चित रूप से विचारणीय तथ्य है और ये कहीं ना कहीं उचित और न्यायसंगत नहीं दिखता है। तमाम खबरों के साथ बने रहिए आशीष न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।